hello students welcome to the next lecture of electrochemistry this lecture will be based on different types of electrochemical cell different types of electrochemical cell now electrochemical cells are those cells uh, with the help of which we get electricity with the help of which the device is run so those are electrochemical cells like lead accumulator used in car or you use a dry cell that is a pencil cell used in torch यूज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइस लाइक टिप रिकॉर्ड और ट्रांजिस्टर्स जहाँ पर आप लोग सिम्पल सेल यूज करते हैं रिमोट कंट्रोल में यूज करते हैं देन वी हैव निकल कैडमियम सेल विच इज यूज रिचार्जेबल बैटरीज देन वी हैव फ्यूल सेल्स विच आर यूज इन स्पेसशिप तो दीज आर ऑल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विच जनरेट इलेक्ट्रिसिटी वाय केमिकल रिएक्शन बट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तीन टाइप के होते हैं दे आर थ्री टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फर्स्ट विच Cannot be recharged once used. Cannot be recharged like dry cells, which clock transistors mein use. Karte Second is a secondary cell which can be recharged, like lead like accumulator, car battery, or nickel-cadmium cell. And third is the fuel cells. In fuel cells, the electrical energy is produced via combustion of fuels like hydrogen, methane. कार्बन मोनोऑक्साइड ये सब फ्यूल यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है दोज आर कॉल्ड एस फ्यूल सेल्स तो एक हो गया प्राइमरी सेल्स विच कैन नॉट बी रिचार्ज वन इज अ सेकेंडरी सेल विच कैन बी रीचार्ज एंड वन इज अ फ्यूल सेल्स विद इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस ऑन द एक्सपेंस ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल्स ओके सो लेट एस टॉक अबाउट प्राइमरी सेल द फर्स्ट एग्जाम्पल एंड द बेसिक एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेल्स दैट इज नॉन रिचार्जेबल बैटरी जिसको आप रिचार्ज नहीं कर सकते दैट इज ड्राई सेल ऑल्सो कॉल इज लीक क्लैच सेल ना आपने ड्राई सेल तो हमेशा देखा होगा ड्राई सेल के अंदर दो एंड होते हैं वेन इज अ पॉजिटिव एंड वेन इज अगेटिव एन यून यू फिट दैट ड्राई सेल इन टू अर रिमोट कंट्रोल सो दैट ड्राई सेल के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे नॉर्मली ड्राई सेल्स आर बीन इज अ नॉन रिचार्जेबल बैटरीज वंस यूज दे आर बीन थ्रोन

सेंटर में यू हैव द ग्रेफाइड रॉड इनसाइड इट ओके सो लेट्स टॉक अबाउट द ड्राई सेल ली कलचे सेल इट्स अ नॉन रिचार्जेबल बैटरी इट हैज अ थिक एक्वस पेस्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यूजिंग क्लॉक ट्रांजिस्टर वोल्टेज नॉर्मली वन पॉइंट टू फाइव से वन पॉइंट फाइव वोल्ड करता है कंस्ट्रक्शन देखो तो कंस्ट्रक्शन में यू हैव द आउटर कार्डबोर्ड जो मैंने बताया देन इनसाइड वेन यू रिमूव दैट कार्डबोर्ड यू हैव यू हैव अ जिंक कंटेनर Zinc white zinc रहता है अंदर ओके दिस कंपार्टमेंट द मिडल कंपार्टमेंट एंड सेपरेटेड बाय अ पोरस पेपर जिससे आयंस पास हो सकते हैं मतलब ये पोरस पेपर के थ्रू आयोन्स पास हो सकते हैं ओके okay? So you have zinc container outside cardboard covering, you have an inert graphite rod which is present inside the center, which act as cathode, and zinc will be acting as anode. Okay. Then you have paste of MNO2 and carbon black in the middle compartment, thick paste, porous paper. Aega. Okay, and then left and right compartment are filled with paste of ammonium chloride and zinc chloride. दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड एस एसिडिक ड्राई सेल दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक ड्राई सेल क्योंकि प्राइमरी सेल जो ड्राई सेल है वो दो टाइप के है एसिडिक ड्राई सेल अल्काइन हम लोग एसिडिक डिस्कस कर रहे हैं ओके प्रेजेंस ऑफ एन एसिडिक कम्पोनेंट अभी एन एच फोर सी एल की बात करोगे तो एन एच फोर सी एल इज अ सॉल्ट ऑफ एन एच फोर ओ एच विच इज अ वीक बेस एन एच सी एल विच इज अ स्ट्रॉग एसिड सो देडिक टाइप ऑफ सेल सिमिलरली जिंक क्लोराइड

plus it has NH4 plus ions and Cl minus ions outside plus Zn2 plus and Cl minus ions which are present in the outer compartment. So this ammonium ion hai, it goes through the porous paper and reaches to the graphite rod. So at cathode what will happen? At cathode NH4 plus ions which are present in the aqueous media that is a paste.

ओके okay, तो अगर नेट रिएक्शन इनका लिखना है तो मैं एच टू और एच टू कैंसिल कर देता हूं कॉमन टर्म फ्रॉम बोथ द साइड देखो एच टू एलिमिनेट हो गया सो यू हैव टू मोल्स ऑफ एन एच फोर प्लस प्लस टू मोल्स ऑफ एम एन ओ टू दैट इज मैंगनीज ऑक्साइड ओके इन सॉलिड स्टेट NH4 फोर प्लस okay, अब एन एच फोर प्लस जो प्रेजेंट है वो आयनिक स्टेट में प्रेजेंट है दैट इज इन दी एक्वे स्टेट फॉर्म एक्व स्टेट

अगर मैं ये कैथोडिक रिएक्शन और एनोडिक रिएक्शन को क्लब करूँ सो यू विल राइट डाउन नेट सेल रिएक्शन सो नेट सेल रिएक्शन विल बी कैंसिलिंग ऑफ द टू इलेक्ट्रॉन तो वी विल गेट जिंक इन सॉलिड प्लस टू मोल्स ऑफ एन एच फोर प्लस एक्स प्लस टू मोल्स ऑफ एम एन ओ टू सॉलिड गिव्स अब सब लेफ्ट हैंड साइड आ गया अब राइट हैंड साइड लिखना है तो राइट हैंड साइड में यू हैव जेड एन टू प्लस एक लिक्विड प्लस टू मोल्स ऑफ अमोनिया इन स्टेट चले जाएगा प्लस एम एन टू थ्री इन सॉ दिस इज सेल रिएक्शन फॉर एसिडिक ड्राई सेल बट इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है करोजन ऑफ जिंक करोजन ऑफ मेटल जिंक नाउ करोजन ऑफ मेटल स्टडी करोगे तो यू विल कम टू नो दैट मेटल करोड्स ड्यू टू ऑक्सीडेशन प्रोसेस वेन मेटल अंडर गो ऑक्सीडेशन गेट करोड लाइक सिल्वर ऑक्सीडेशन होने लगा है, तो ब्लैक टार्निश हो जाएगा कॉपर ग्रीन होने लगता है गोल्ड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम ब्लैक होने लगता है इट्स बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडेशन आर गेटिंग रोड सो इन एसिडिक मीडिया बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एच प्लस साइंस इन दिस्टम थोड़ी बहुत एच प्लस भी तो प्रेजेंट हो गए सिस्टम में सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एच प्लस साइंस जिंक रियक्ट विद प्लास साइंस इफ यू रिमेंबर हाइड्रोजन हैज ग्रेटर रिडक्शन पोटेंशियल इज कम्पेयर टू जिंक एंड रिजल्ट टू दमेशन ऑफ जेड एंड टू प्लस एक्सेस अमाउंट एन एच टू तो जिंक ऑक्सीडाइज हो जाता है एक्सेस अमाउंट में जिसके वजह से वो करोड़ होने लगता है एंड वो बैटरी का वर्किंग कम हो जाता है दैट इज़ वाई हम लोग एसिडिक ड्राई सेल नॉर्मली यूज नहीं करते नाउ डेज वी यूज़ अल्कलाइन ड्राई सेल इसके लिए बैटरीज पे लिख के आते हैं अल्कलाइन बैटरी बिकॉज वी डोंट वॉन्ट एसिडिक मीडिया एसिडिक मीडिया कॉजेस ऑक्सीडेशन और यू कैन से करोजन ऑफ जिंक कंटेनर जिसकी वजह से बैटरी की लाइफ कम हो जाती है सो दैट इज वाई वी डोंट यूज दिस ना वोट इज ड्राई सेल इज मोर प्रिफर्ड ओवर एसिडिक ड्राई सेल नो वट इज अ बेसिक डिफरेंस ऑफ अल्काइन एंड एसिडिक ड्राई सेल एसिडिक ड्राई सेल में आप क्या यूज करते हैं एन एच फो सी एल सो इन केस ऑफ अल्काइन ड्राई सेल यू डोंट यूज एन एच फो सी एल अल रब दिस आउट इंस्टेड ऑफ एन एच फोर सी एल अल्कालाइन ड्राई सेल इंस्टेड ऑफ यूजिंग NH4CL फोर उसकी जगह पे हम लोग यूज करते हैं NaOH और KOH मेकिंग द मीडियम बेसिक तो बेसिक मीडियम बनाने से क्या होता है बेसिक मीडियम बनाने से ये होता है कि जिंक करोड नहीं होता रीजन क्या है बिकॉज एनोड पे तो जिंक ही है तो जिंक इन सॉलिड स्टेट विल कंबाइन विद हाइड्रो ऑक्साइड कमिंग फ्रॉम एन And result into the formation of zinc oxide plus H2O and loses two electrons. So, here the zinc is not coming in contact with the H plus ions to undergo corrosion. Corrosion is zinc. Similarly, when these two electrons are released at cathode, again you have that MnO2 combining with water. So we have 2 moles of MnO2 combining with water, H2O liquid gaining 2 moles of electron. So, again, this uh, MnO2 will get converted into Mn2O3 after gaining after undergoing reduction, and you get hydroxide ions formed in the reaction. So now if you write down the net cell reaction, you cancel out the common term from both the side, one mole of water is being cancelled out, OH minus get cancelled out. So directly you write down the reaction: zinc in solid plus two moles of MnO solid. प्लस एच टू ओ लिक्विड गिव्स अ एम एन टू ओ थ्री सॉलिड प्लस जिंक ऑक्साइड सॉलिड प्लस ओकेट्स इट सो दिस इज द नेट सेल रिएक्शन फॉर अल्काइन ड्राई सेल अलकालाइन ड्राई सेल लाइफ इज़ मोर एज कंपेर्ड टू एसिडिक ड्राई सेल याद रखना बिकॉज एसिडिक ड्राई सेल में

दे बिन यूज द चार्जिंग इज ओवर देन यू रिचार्ज इट बाय कनेक्टिंग टू अ पोटेंशियल ग्रेटर देन इट्स पोटेंशियल अगर आप सेम पोटेंशियल का चार्जर यूज़ करोगे तो वो चार्ज नहीं होगा उससे लेस यूज़ करोगे तो चार्ज नहीं होगा ऑब्वियसली आपको उसका पोटेंशियल थोड़ा हाई रखना पड़ेगा ताकि सारे सेल रिएक्शन रिवर्स हो जाए सो रिचार्जेबल बैटरीज आर दोज विच कैन भी रिचार्ज बा कनेक्टिंग टू अ पोटेंशियल हायर देन दैन इट उससे थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए अच्छा सेकेंडरी सेल में द फर्स्ट सेल इज़ Nickel cadmium cell also called as NICAD with an approximate voltage of 1.4 volt using calculators and watches. If you talk about the construction of this cell, you have a anode as a cadmium metal and cathode is NiO2 nickel oxide in solid state. And electrolyte use is a KOH solution. So the reaction is not difficult. If you talk about the cell reaction, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग डिस्चार्जिंग का मतलब क्या होता है वेन द सेल इज यूज आप सेल को किसी डिवाइस में डाल के उसको यूज कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल आपके मोबाइल में जो सेल है आपने ऑन किया तो सेल अब यूज हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा है तो दैट इज डिस्चार्जिंग डिस्चार्जिंग मीन्स वेन सेल इज इन यूज आप जब उसको यूज़ कर रहे हो तो डिस्चार्जिंग प्रोसेस में क्या होता है नॉर्मल एनोड पे ऑक्सीडेशन कैथोड पे रिडक्शन सो हाउ द रिएक्शन विल टेक प्लेस एट एनोड कैडमियम विल अंडरगो ऑक्सीडेशन टू फॉर्म सी डी टू प्लस एंड सी डी टू प्लस विल कंबाइन विद माइनस टू फॉर्म सी डी ओ एच टू आईसो मतलब वी कैन राइट डाउन दैट कैडमियम इन सॉलिड स्टेट मतलब इस रिएक्शन को इजी करना है तो समझ लो कैडमियम फॉर्म्स सी डी टू प्लस गिवस टू इलेक्ट्रॉन्स दिस सी डी टू प्लस टू फॉर्म विल कंबाइन विथ ओए माइनस आइंस टू फॉर्म सी डी ओ एच टू आइस इन सॉलिड स्टेट तो इसके लिए वन स्टेप में दोनों को एड करूँ तो वन स्टेप में मैं ऐसा लिख सकता हूं कि सी डी प्लस टू मोल्स ऑफ ओ एच माइनस आयस गिवस सी डी ओ एच टू आइस इन सॉलिड स्टेट प्लस टू मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिलीज दैट इज अक्सीडेशन प्रोसेस विच इज टेकिंग प्लेस एट दी एनोड नो कैथोड पे एन आई ओ टू है सॉलिड स्टेट पे जो ये टू मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला है जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इवन वाटर कम्स इन टू पिक्चर टू फॉर्म निकल हाइड्रो ऑक्साइडोड एन आई ओ इन सॉलिड स्टेट विल गेन टू इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंस ऑफ एच टू ओ लिक्विड टू फॉर्म एन आई ओ एच टू आईस इन सॉलिड स्टेट ठीक है एन आई ओ एच के साथ में कंबाइन हो गया प्लस यू विल गेट टू मोल्स ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड आय इक्विड स्टेट So when you write down net cell reaction during discharge, discharge means battery use ho rahi here. So when you write a net cell reaction during discharge, so electrons will get cancelled out, even the basic media get cancelled out. So simple, you will get Cd in solid state, NiO in solid state plus two moles of water in liquid state gives NiOH twice in solid state. प्लस सी डी ओ एच टू आईस इन सॉलिड स्टेट सो सी प्रॉपरली एनोड और कैथोड दोनों के प्रोडक्ट सॉलिड है इट इज वेरी इजी टू रिचार्ज इज बैटरी इजिली आप इस बैटरी को रिचार्ज कर सकते हो जब आप रिचार्ज करोगे तो दैट विल बी कॉल्ड एस चार्जिंग प्रोसेस मतलब आप बैटरी यूज में नहीं है इन डिस्चार्जिंग प्रोसेस में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में प्रोड्यूस हो गई बदल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्जिंग के टाइम पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो फिर से केमिकल एनर्जी में अगेन यू आर कन्वर्टिंग तो ड्यूरिंग चार्जिंग पूरा रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा लेकिन चार्ज करने के लिए दिस बैटरी हैज़ टू बी कनेक्टेड टू अ पोटेंशियल हायर देन इट मतलब अगर ये 1.4 पॉइंट वोल्ट है तो थोड़ा इससे ज़्यादा होना चाहिए चार्जिंग के लिए जो चार्जर यूज़ कर रहे हो उससे कम नहीं होना चाहिए ना वो चार्ज नहीं होगा इक्वल भी नहीं होना चाहिए इट शुड बी मोर देन दैट टू रिवर्स द रिएक्शन सो ड्यूरिंग चार्जिंग जब आप इसको चार्ज करोगे वैन इट इज़ नॉट इन यूज एन सी आर नेट सेल रिएक्शन बी रिवर्स पूरा इसका रिवर्स हो जाएगा कि एन आई ओ एच टी डी ओ एच टिव सी डी सॉलेट प्लस एन आई ओ सॉलेट प्लस टू मोल्स ऑफ वॉटर विट इज गेटिंग चार्ज ओके बट इट इज लिटल एक्सपेंसिव देन लेट अक्यूमुलेटअ बट यू कैन रिचार्ज इट इजीली एंड द सेल्फ लाइफ इज मोर एज कम्पेयर टू ड्राई सेल ऑब्बियसली बिकॉज ड्राई सेल को आप चार्ज नहीं कर सकते बट नाउ वट इज दे यूज लीथियम बैटरी इंस्टेड ऑफ निकल कैडमियम दे यूज़ लिथियम लीथियम ये लोग यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ एनोड एंड एम एनोडू एक्ट एज कैथोड और लीथियम क्लोरेइड दैट इज एल आई सी एल ओ फोर इज टेकन एज द इलेक्ट्रोलाइट मतलब राइट नाउ दिज निकल कैडमियम बैटरी इज बिन रिप्लेस विद मोर एडवांस लिथियम बैटरीज वेथ दी एनोड इज एक्टिंग एज इफ यू टॉक अबाउट लिथियम बैटरी एल आई सेल सो वहाँ पर एनोड जो है वो लीथियम हो जाता है कैथोड विल भी एम एनोडू एम एनोडू का सॉलिड यूज करते हैं एज अ कैथोड एंड लिथियम पर क्लोरेट दैट इज एल आई सी एल ओ फोर एल आई सी एल ओ फोर इट एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट्स ओके सो दिस वॉज द फर्स्ट बैटरी दैट इज निकल कैडमियम बैटरी इसके बाद में सेकेंड सेकेंडरी सेल है लेड अक्यूमुलेटर ओके का इज द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सेल इज़ लेड अक्यूमुलेटर द का बैटरी इट्स अ टू वोल्ट बैटरी इन एंड बील अराउंड अ सेट ऑफ सिक्स बैटरीज यूज टू क्रिएट अ पोटेंशियल ऑफ ट्वेल्व वोल्ट इन्वर्टर में भी यूज़ करते हैं दिस इज कंस्ट्रक्शन ऑफ लिड अक्यूमुलेटर इन लेड अक्यूमुलेटर मैंने थोड़ा सा डायग्राम को बड़ा बनाया है जस्ट टू इलेबरेट एंड एक्सप्लेन थिंग्स प्रॉपरली लेड अक्यूमुलेटर कंसिस्ट ऑफ अ केस विच हैजर्टी एट परसेंट बाई मास्यूशन सोल्यूशन डेंसिटी इज वन पॉइंट टू ग्राम पर एम एल कोई रेफरेंस बुक में वन पॉइंट थ्री दिया बट आपके टेक्स्ट बुक में वन पॉइंट टू ग्राम पर एम एल दिया सो यू कैन यूज दिस वन पॉइंट टू ग्राम पर एम एल

कैथोड सो यू हैव एनोड एज लेट प्लेट कैथोड ठीक है नाउ सेल रिएक्शन की बात करते सो फर्स्ट ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग मतलब बैटरी यूज में है डिस्चार्जिंग सो वॉट इज हैपनिंग वी नो दैट ऑक्सीडेशन ऑलवेज टेक प्लेस एट एनोडिक हाफ सेट तो लेट इज योअर एनोड So, what will happen from here the lead will undergo oxidation, it will form P B2 plus goes inside the solution of H2SO4. Electrons are left behind, which travels through the entire circuit and then they come back to the cathode. We know that electron travels for NO2 cathode. Now, the P B2 plus, which goes inside the solution from the lead plate after oxidation, combined with SO4 minus 2 to form solid particles of Pb SO4. So during discharging at anode that is lead plate we can write down okay, lead in solid state undergoes oxidation to form pb2 plus ions which goes inside the solution and releases 2 electron on the surface which travels from anode to cathode this pb2 plus which goes inside the acidified solution of h2so4 combined with sulfate ions in the solution of h2so4 and form a solid PbSO4 at the surface of lead plate. So, if you write down anodic reaction, net reaction of anode, you cancel out Pb2 plus Pb2 plus, you get Pb in solid state plus SO4 minus 2 in aqueous state, forming PbSO4 in solid state, releasing 2 electrons. So, this is a net anodic reaction. ओके स्टेप सिंपल है पीबी पीबी टू प्लस बनाएगा सोल्यूशन में जाएगा सल्फेट से मिलेगा सॉलिड पार्टिकल्स पीबी एस ओ फोर के हो गए इलेक्ट्रॉन लेफ्ट बी विल ट्रेवल टू द सर्किट जिस पर आप कनेक्ट किए फ्रॉम एनोड इट गोज टू कैथोड नो वट कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है वो देख लेते हैं सो एट कैथोड वी हैव पी बी ओ टू इलेक्ट्रॉन्स आ गए पी बी ओ टू के सर्फेस पे सो पी बी ओ टू में पीबी का चार्ज प्लस फोर का होता है तो पी बी ओ टू गेन दिस इलेक्ट्रॉन सो पीबीओ टू जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा सो इट विल कन्वर्ट इट सेल्फ इन टू पीबी टू प्लस ओके प्लस सम अमाउंट ऑफ वॉटर इज ऑल्सो प्रेजेंट एंड एच प्लस इज ऑल्सो प्रेजेंट सो पीबीओ टू इसके सर्फेस पे इलेक्ट्रॉन आ गया फ्रॉम एन एन टू कैथोर्ड तो पीबीओ टू विल गेन दिस इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंस ऑफ एच प्लस आय फ्रॉम दोल्यूशन क्योंकि इसके आसपास H एच प्लस साइंस भी हो गए बिकॉज दोल्यूशन सो द्लस आर ऑल्सो देयर यहां पर सर्फेस पे क्या प्रेजेंट है पीबी ओ टू गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स गेटिंग रिड्यूस रिजल्ट एड एटल फॉर्मेशन ऑफ पीबी टू प्लस तो यहां पर पी बी टू प्लस बनेगा जो एक्व स्टेट में आएगा तो पी बी प्लस फोर से कितना हो गया प्लस टू दैट इज रिडक्शन वाटर विल कंबाइन विद ऑक्सीजन एच प्लस विल कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म टू मोल्स ऑफ एच टू ओ इन लिक्विड स्टेट नॉर्थ पी बी टू प्लस जो यहां पर आ रहा है सोल्यूशन में अगेन दिस पी बी टू प्लस विच फॉर्म्स एट कैथोड ये भी वही करेगा इट कम्बाइन विद सल्फेट फ्रॉम द सल्यूशन टू फॉर्म सॉलेड पी बी एस ओ फोर तो यहां पर भी एट एनोड एंड कैथोड वी हैव समिड पार्टिकल्स फॉर्म एंड दी सॉलेड पार्टिकल्स आर पी बी एस ओ फोर Form during the reaction. So, when you write down the net cathodic reaction, you cancel out the common terms. So, Pb2 plus Pb2 plus cancel over. So, we write down PbO2 solid plus Pb2 plus get cancel out plus 2 moles of electron plus 4H plus plus SO4 minus 2 gives 2 moles of H2O liquid plus PbSO4. PbSO4 solid so you have two moles of liquid PbSO4 solid at right hand side you have sulfate PbO2 NH plus at the left hand side ok so this is the cathodic reaction this is anodic reaction but someone will sir I want net cell reaction so combine anode and cathode ka net reaction so net reaction of anode plus net reaction of cathode so what do you get cancel out electrons is the common term which are getting cancel out ठीक है सो वी राइट डाउन फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड दिस पार्ट पॉट रिएक्शन क्या है पी बी सॉलेड पी बी ओ टू सॉलेड ओके देन इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो गए कॉमन देन यू हैव सल्फेट सल्फेट हाउ मेनी सल्फेट टू सल्फेट एंड फोर एच प्लस सो फोर एच प्लस एंड टू सल्फेट फॉर्म्स टू मोल्स ऑफ एच टू है सो फोर एक्वेस गिव्स produces अब देखो PbSO4 plus PbSO4 net में two moles of PbSO4 solid plus two moles of H2O liquid so this is the net cell reaction during discharging जब battery use में है जब आप battery को charge करते हो और charge कब करना है when it has been used slowly slowly उसका potential two volt से one point eight volt पे आ जाएगा one point eight volt पे आ गया मतलब आप उसको charge कर दो and one more thing when the battery is being used see properly lot of h2o molecules have been produced zada h2o produce the concentration h 2 so 4 forka change yoga density change yoga density change then the potential is change yoga but the potential of this lead accumulator is actually decided by the concentration of h2so4 so if more amount of water is produced during the discharging during usage of the battery the molarity of h2so4 the concentration of h2so4 changes तो एट दैट टाइम यू नीड टू रिचार्ज द बैटरी तो रिचार्ज कब करोगे इसको कैसे करोगे बाय कनेक्टिंग द बैटरी टू द हायर पोटेंशियल ग्रेटर देन टू जब इसको रिचार्ज करोगे तो ड्यूरिंग रिचार्जिंग या ड्यूरिंग चार्जिंग प्रोसेस पूरा नेट सेल रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा मतलब ये एनोड का रिएक्शन पीबीएसओ फोर प्लस टू इलेक्ट्रॉन कैथोड बन जाएगा कैथोड का रिएक्शन एनोड बन जाएगा पूरा रिवर्स होगा सो so, एनसीआर भी पूरा रिवर्स होगा सो so, ट टू मोल्स ऑफ पी बी एस ओ फोर सॉलिड ड्यूरिंग चार्जिंग जब मतलब चार्जिंग मतलब केमिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड हो रही है केमिकल एनर्जी के फॉर्म में जब वो इलेक्ट्रोलिस की तरह बिहेव कर रहा है क्योंकि आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगा दी है एक्सटर्नल चार्जर से लगा दिया है याद रखना कोई भी सेल जब वो डिस्चार्ज होता है यूज होता है तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है लेकिन जब आप उसको चार्ज करते हो तब आप सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हो So, at that time you are performing electrolysis inside the battery reverse reaction. So, PbSO4 plus 2 moles of H2O liquid gives Pb solid plus PbO2 solid plus 2 moles of H2SO4 aqueous. So, this is the cell reaction when it is charging, this is the cell reaction and it is discharging. So, it is all about a uh, secondary cell. टर हमारा जो लास्ट सेल है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इसके बाद में दट इज अ फ्यूल सेल ओके गाइस आफ्टर डिस्कशन ऑफ सेकेंडरी सेल नाउ लेट अस डिस्कस फ्यूल सेल फ्यूल सेल क्या होता है बेसिकली फ्यूल सेल बीन बीन डिजाइन टू कन्वर्ट द एनर्जी फ्रॉम वेयर फ्रॉम द कंबर्शन ऑफ फ्यूल इन इलेक्ट्रिसिटी फ्यूल कंबर्शन एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी मतलब फ्यूल से डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी सो दीस टाइप ऑफ सेल दे आर कंटिन्यू सोर्स ऑफ एनर्जी एज लॉन्ग एज यू सप्लाई द फ्यूल टू द इलेक्ट्रोड इसमें डायरेक्टली क्या करना है इलेक्ट्रोड्स पे फ्यूल सप्लाई करना है दे विल अंडा गो अ रेडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन एंड द इलेक्ट्रिसिटी विल बी प्रोड्यूस इन साइड फ्यूल कैन बी यूज लाइक हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड मीथेन प्रोपेन ये यूज हो सकता है नाउ वो इज इन यूएसए दे यूज जिंक एयर फ्यूल सेल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी हाईली एफिशियंट होता है क्योंकि डायरेक्टली आप फ्यूल की एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहे हो प्लस पोल्यूशन फ्री होता है बिकॉज नो ऑब्जेक्शनेबल प्रोडक्ट्स बाई प्रोडक्ट्स आर फॉर्म ड्यूरिंग दी प्रोसेस टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फ्यूल सेल इज हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल ये फ्यूल सेल अपोलो स्पेस प्रोग्राम अपोलो स्पेस प्रोग्राम्स में भी यूज हुआ है टू सप्लाई कंटिन्यूस एनर्जी बट इसमें क्या चीज़ है कि टू कंस्ट्रक्ट दिस फ्यूल सेल वी नीड टू सप्लाई फ्यूल कंटिन्यूसली टू द इलेक्ट्रोड्स इलेक्ट्रोड्स रिप्लेस करने का जरूरत नहीं है बिकॉज यहाँ पर करोजन का या इलेक्ट्रोड का साइज कम हो रहा है बिकॉज इलेक्ट्रोड अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऐसा कुछ नहीं है सो नो नीड टू चेंज द इलेक्ट्रोड इन केस ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल यू रिक्वायर टू कोरस पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड वेर द आयंस कैन पास थ्रू इट पोरस होना चाहिए one electrode becomes your anode where hydrogen gas is being added another is the cathode where oxygen gas is being added and between these two electrodes there will be electrolyte like aqueous koh or noh so let us see the construction and working of a hydrogen oxygen fuel cell in case of hydrogen oxygen fuel cell we have 2 porous carbon electrodes where the ions can be exchanged easily and these uh, इलेक्ट्रोड एंडक्लोज इलेक्ट्रोलाइड इन बिटवीन दैट विल बी एक्वेस के एन यू एच नॉ दिस पोरस इलेक्ट्रोड ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ सम अमाउंट ऑफ कैटलिक्सर एंड प्लेटिनियम टू स्पीड ऑफ द रिएशन फ्रॉम वन एंड यू एड हाइड्रोजन गैस फ्रॉम दानदर एंड यू एड ऑक्सीजन गैस एक आपका एनोड बन गया एक कैथोड बन गया ऑब्वियसली एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा कैथोड पर रिडक्शन होगा लाइक एनोड है एनोड पे हाइड्रोजन गैस जा रहा है ऑक्सीडेशन के लिए सो हाइड्रोजन टू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑक्सीन मीस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो देर आर फोर हाइड्रोजन एटम्स विच आर लूज फोर मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोड्यूसिंग फोर मोल्स इन एक्विडिया दीज एच प्लस आइंस कैन पासिस थ्रू दिस पोरस इलेक्ट्रोड एंटर्स इंटू इलेक्ट्रोलाइड नियर द सर्फेस ऑफ द इलेक्ट्रोड एंड कंबाइन विद एच बाइन अस प्रेजेंट इन साइड दल्यूशन टू फॉर्म फोर मोल्स ऑफ एच टू अ लिक्विड

एंड एनोड रिएक्शन सो ये दोनों रिएक्शन को बराबर देखो सो यू हैव टू मोल्स ऑफ एच टू गैस प्लस ओ टू गैस फोर इलेक्ट्रॉन्स फोर इलेक्ट्रॉन गेट कैंसल आउट टू मोल्स ऑफ वाटर फोर मोल्स ऑफ वाटर सो टू इज रिमेनिंग एट राइट एंड साइड फोर ओ एच एंड फोर ओ एच गेट कैंसल आउट सो फाइनली यू विल गेट टू मोल्स ऑफ एच टू ओ लिक्विड सो यू गैट अ प्योर वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट तो कोई अनऑब्जेक्शनेबल uh, प्रोडक्ट नहीं मिला है हम लोगों को So we do not have this objectionable product uh, produced in the byproduct produced in the reaction. You have a pure water being produced in the reaction. So you have water being produced here. This water, some of the water can also be used for drinking purpose. If you remove this water and purify purify the because it pure water hai, it get filtered up and can be used for drinking purpose in spaceship. So this is the net reaction for hydrogen-oxygen fuel cell. If this fuel cell works with if इट वर्क्स विथ हंड्रेड परसेंट एफिशियंसी अगर ये हंड्रेड परसेंट एफिशियंसी पे कहेगा तो ये अराउंड वन पॉइंट टू थ्री वोल्ट का पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है बट प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली दे फाउंड कि दिस फ्यूल सेल इज अराउंड सेवेंटी परसेंट एफिशियंस प्रोड्यूसिंग अ वोल्टेज ऑफ जीरो पॉइंट नाइन वोल्ट प्लस कोई पॉल्यूशन फ्री पॉल्यूशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है इससे इट्स अ कंटिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी जितना फ्यूल सप्लाई करते रहेंगे उतनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी बट दीज फ्यूल सेल्स आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव नाउड इज साइंटिस्ट आर बीन वर्किंग टू मेक मोर पोर्टेबल एंड मोर कमर्शल टाइप ऑफ फ्यूल सेल्स विच आर मोर चीपर बट उसको आने में बहुत टाइम जाएगा सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन फ्यूल सेल ठीक है इस सो दिस इज ऑल अबाउट सेल्स सो वी हैव डिस्कस प्राइमरी सेल दैट इज एग्जाम्पल ऑफ लीक लेंचे एसिडिक एंड अल्कालन जिसमें हम लोगों ने यह नोटिस किया है कि उसको अब रिचार्ज नहीं कर सकते देन सेकेंडरी सेल निकैट बैटरी और लेट अक्यूम्यटर विच कैन बी रीचार्ज इफ यू कनेक्टेड टू द पोटेंशियल हायर देन द सेल पोटेंशियल पोटेंशियल रिएक्शन विल बी रिवर्स्ड एंड केमिकल एनर्जी विल बी स्टोर्ड बैक एंड देन यू हैव द फ्यूल सेल वेयर द कम्बर्शन ऑफ फ्यूल द एनर्जी इज कन्वर्टेड इन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी okay now after uh, uh, this entire part we will move on to the next part after this lecture that will be based on uh, corrosion and electrical conductivity till then take care bye hello students after the discussion of different type of cell let's come to the last part of electrogenesis that is corrosion now what is corrosion corrosion is basically destructive action on metal by atmospheric moisture with the help of dissolved oxygen and carbon dioxide in atmospheric water and it happens when this atmospheric water with dissolved oxygen and carbon dioxide comes in contact with ununiform surface of metal and when they comes in contact with the metal it forms a electrochemical cell a small electrochemical cell where metal undergoes oxidation a pure metal with zero oxidation state undergo oxidation loses its electron converts into a positive ion combines with the atmospheric oxygen and form a metal oxide and that metal oxide is basically the corroded metal so metal when atmospheric water जिसमें ऑक्सीजन सी ओ टू डिज़ोल्व होता है अगर कोई सी के साइड में रहता है तो सी वाटर जो रहता है उसमें बहुत सारा सॉल्ट होता है तो सॉल्ट की वजह से भी करोजन बढ़ जाता है सो बेसिकली वैन मेटल कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ वाटर जिसमें डिज़ोल्व ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड है इट फॉर्म्स अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वेद द मेटल अंडरगोस ऑक्सीडेशन एंड फॉर्म्स अ ऑक्साइड

करोजन बिकम्स रैपिड इन दैट प्लेस बिकॉज सॉल्ट सोल्यूशन होने से एटमोसफेयर में ज़्यादा सीओ टू होने से इम्प्योरिटी होने से करोजन के चांसेस डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल गेट इंक्रीजेस सो करोजन में एक सिम्पल चीज़ याद रखने का कि इट्स इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना वेर मेटल वॉटर इन्वायरमेंटल वाटर एटमोस्फेरिक वाटर डिजोल्व ऑक्सीजन सी ओ टू विल फॉर्म अ स्मॉल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऑन द सर्फेस ऑफ मेटल मेटल विल अंडर गो ऑक्सीडेशन फॉर्म अ ऑक्साइड सो मेटल अपने प्योर स्टेट से ऑक्साइड के फॉर्म में चले जाएगा और उसको हम लोग करोजन बोलते हैं अगर वो आयन में हो रहा है तो इट फॉर्म्स अ ब्राउन कलर रस्ट देखो आयन में इसको रस्टिंग बोलते हैं एंड दैट ब्राउन कलर रस्ट इज नथिंग बट हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड एफ ई टू ओ थ्री बिकॉज प्योर आयन एफ ई से एफ ई टू ओ थ्री में कन्वर्ट होगा जैसा मैंने बताया बी एफ ई एंड ऑक्सीडेशन टू फॉर्म एफ ई टू ओ थ्री तो रस्टिंग क्या होता है ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल देफ इफ यू सी द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट बिलो हैज वेरी लो रिडक्शन पोटेंशियल

दे डोंट लूज द आर शाइन ईजीली बिकॉज उनके रिडक्शन पोटेंशल बहुत ज़्यादा है तो वो ज़्यादा रिडक्शन में जा सकते ऑक्सीडेशन में नहीं और करोजन मेटल का ऑक्सीडेशन होता है दैट इज़ द रीज़न दीज मेटल पलाटिनियम पलाडियम गोल्ड दे आर वेरी एक्सपेंसिव इनके ऑर्नामेंट्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं दे डोंट लूज दियर शाइन दे डोट गेट करोड ईजीली Okay, but elements which are present below, they have very less reduction potential. Therefore, they have very chance of undergoing, good chance of undergoing oxidation. Therefore, those are very, uh, we can say reactive, active metals like uh, zinc, gaya magnesium, aluminium, sodium. All those things are very active metal. When they comes in contact with atmospheric water, they start reacting with it and they undergo a corrosion process, basically oxidation process. और अगर ये एक आयन में हो रहा है तो इट इज कॉल्ड एज रस्टिंग एंड रस्टिंग क्या है रस्टिंग इज नथिंग बट करोजन ऑफ आयन जिसमें करोडेड पार्ट क्या है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड एफ ई चार्ज प्लस थ्री है मतलब एफ ई जीरो से प्लस थ्री में चला गया ऑक्सीडेशन में चला गया अब देखते हैं ये इलेक्ट्रोकेमिकल फिनमिना कैसे जनरेट होता है कैसे होता है हाउ इट टेक्स प्लेस हाउ द रिएक्शन टेक प्लेस लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ रस्टिंग इन आयन सो अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोकेमिकल थेरी सपोज दिस इज अ पीस ऑफ आयन एंड दिस इज अन यूनिफॉर्म सर्फेस ऑफ द आयन सपोज स्क्रैच आ गया आयन की सर्फेस के लिए नॉन यूनिफॉर्म सर्फेस सो एटमोस्फेरिक वॉटर विल डिजॉल्व यूर सपोज ये एटमोस्फेरिक वॉटर है इसमें ऑक्सीजन भी डिजोल्व होगा प्लस इसके अंदर सी ओ टू भी डिजोल्व होगा और सी ओ टू जब वाटर में डिजोल्व होता है It forms H two CO three and H two CO three will produces will produce what H plus ions in it. So there is H plus ions inside the system. There is oxygen dissolved inside it. Okay. Now this is a little bit a small electrochemical cell, and this is a piece of iron. Now when this electrochemical set is set up, this Fe, the pure metal, will undergo oxidation to form Fe two plus and loses electron. ओके, सो वी कैन से ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या हो रहा है इसके अंदर Fe, ई इन सॉलिड स्टेट इट लूज इस इलेक्ट्रॉन ईच एफ ई लूजिंग टू इलेक्ट्रॉन्स सो टू एफ ई लूजिंग फोर इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एफ ई टू प्लस मतलब जीरो से वो प्लस टू में फेरस द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दीज दिस रिएक्शन इज माइनस जीरो पॉइंट फोर फोर वोल्ट इस रिएक्शन का रिडक्शन पोटेंशियल एफ ई का माइनस जीरो पॉइंट फोर फोर वोल्ट है ओके नॉ दीज इलेक्ट्रॉन्स विल ट्रैन फ्रॉम एनोड गोज इन टू द कैथोडिक एरिया इन द कैथोडिक एरिया यू हैव द एच प्लस आयंस आर वेटिंग फॉर इट सो दे रिडक्शन प्रोसेस इन दैोडिक एरिया दैट इज द एच प्लस आयंस विल गेन इलेक्ट्रॉन अब एच प्लस आयस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो रिडक्शन में जाएगा इन विनिटी अंडर गो रिडक्शन इट कम्बाइंस विद डिजॉल्व ऑक्सीजन टू फॉर्म मोर अमाउंट ऑफ So, basically here in this case the H plus ions which are present in the aqueous media combines with the electron and the atmospheric oxygen. So, they go 4 H plus plus 4 electron gives 4 atomic hydrogen. These atomic hydrogen combines with oxygen to form what 2 moles of H 2 O liquid. Now this is the reduction reaction of H plus ions in presence of oxygen. इफ़ यू फाइंड द रिडक्शन पोटेंशियल अगर आपने इसका रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट किया तो दिस कम्स अराउंड 1.23 पॉइंट टू थ्री वोल और अगर आप नेट रिएक्शन निकालोगे पूरे सेल का सो यू कैंसल आउट दिस कॉमन टर्म सो यू गेट टू मोल्स ऑफ एफ ई इन सॉलिड प्लस फोर मोल्स ऑफ एच प्लस इन एक्वेस कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म टू मोल्स ऑफ एच टू लिक्विड सो so, इसका एंड प्रोडक्ट क्या हो रहा है यहाँ पर वाटर बन रहा है मतलब लॉड ऑफ वाटर इज बीन प्रोड्यूस इन साइड सो एक बार करोजन स्टार्ट हो गया तो वाटर बनता ही रहेगा और करोजन एक कंटिन्यूस फिनोमेना वो होता ही रहेगा तो पूरा आयन अंदर से रस्ट हो जाएगा क्यों बिकॉज रस्टिंग के लिए यू रिक्वायर वाटर और सिस्टम में वाटर प्रोड्यूस हो रही रहा है वंस द एटमोस्फेरिक वाटर कम्स इन टू पिक्चर देन ड्यू टू द रिएक्शन मोर अमाउंट ऑफ वाटर इज बीन प्रोड्यूस्ड एंड फॉर दिस रिएक्शन फॉर दिस सेल

मेटल को किसके कॉन्टैक्ट में आना है एटमोस्फेयरिक वॉटर प्लस डिजोल्व ऑक्सीजन मतलब वाटर के कॉन्टैक्ट में आया तो ऑक्सीजन सी तो है ही हेरी एयर में वो डिजोल्व होते रहेंगे करोजन स्टार्ट होगा करोजन स्टार्ट होगा वाटर प्रोड्यूस होगा ना अभी तक रिएक्शन फिनिश नहीं हुआ है सो दिस क्लियरली इंडिकेट के द एंटायर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस ये रिएक्शन खुद से हो जाएगा दैट इज वाई वेन यू कीप एनी मेटल थिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट प्रोटेक्टिंग इट विदाउट कवरिंग इट तो क्या प्रॉब्लम होती है उस पर रस्टिंग चालू हो जाता है अगर वो आयन का पीस है तो उस पर रस्टिंग ब्राउन कलर का रस्ट फॉर्म होता रहेगा और होता ही रहेगा इफ यू डोंट स्टॉप इट इफ यू डोंट रिमूव इट इफ यू डोंट अप्लाई एंटी रस्ट और सम बैरियर प्रोटेक्शन इट विल कंटिन्यू वाई बिकॉज इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इसका पोटेंशियल पॉजिटिव है अगर पोटेंशियल पॉजिटिव होता है मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है सेकंड थिंग मोर वॉटर इज बिन प्रोड्यूस हो जितना पानी होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट बनेगा क्योंकि एयर में ऑक्सीजन और CO2 टू का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है वो तो अच्छे खासे अमाउंट में है सिर्फ वाटर प्रोड्यूस होना है और वाटर जितना अंदर जाएगा एयर ऑक्सीजन अंदर जाता जाएगा मेटल की और अंदर से पूरा करोड कर देगा अब करोजन फिनिश नहीं हुआ है सो योर वी गेट Fe2+ टू प्लस भी आता सो वी गेट Fe इन फेरस स्टेट नो वॉट विल हैपन दिस फेरस स्टेट द फेरस आय एफी टू प्लस दिस आयन विल गोज इन साइड द वॉर्डर फोर मोल ले लेता हूं मैं एक स्टेट कंबाइंस विद मोर ऑक्सीजन मतलब इसका फिर ऑक्सीडेशन होगा फेरस और ऑक्सीजन से कंबाइन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल्स भी प्रोड्यूस होते जा रहे एंड इट रिजल्ट इन टू दमेशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ Fe2O3 ई टू ओ थ्री सॉलिड दिस इज अ ब्राउन कलर सब्सटेंस फॉर्म एफ तो ये सब्सटेंस बन रहा है Fe2O3 ई टू ओ विद दी अलॉन्ग विथ मोर अमाउंट ऑफ एच प्लस साइंस हो जितना ज्यादा एच प्लस साइंस होगा उतना रिडक्शन उतना वॉटर मतलब सी इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस यू गेटिंग यू आर गेटिंग दिस यू आर गेटिंग प्रोडक्ट्स इन एवरी रिएक्शन विच आर बीन री यूज बाई इट सेल्फ अब ये जो एफ ई टू ओ थ्री बना है एफ ई टू ओ थ्री सॉलिड स्टेट कंबाइन विद एक्स मोल्स ऑफ वॉटर एंड इट फॉर्म्स एफ ई टू ओ थ्री एक्स एच टू ओ दिस इज रस्ट फॉर्मूला फॉर रस्ट एफ ई टू ओ थ्री एक्स मोल्स ऑफ एच टू ओ अटैच टू इट ओके सो दिस इज़ बेसिकली या रस्टिंग फिनोमिना इलेक्ट्रोकेमिकल फिनमिना तो ये रस्ट फॉर्म होगा ब्राउन कलर का जो हम स्क्रेब कर के निकालते हैं अगर आयन पीस रस्टिंग हो गया ना हाउ टू प्रोटेक्ट दिस आप रोस्टिंग से प्रोटेक्ट कैसा करोगे पेंट कर दो यू पेंट दैट यू अप्लाई सम केमिकल्स लाइक बिस्फिनॉल कोटिंग जिससे एटमोस्फेरिक वॉटर से प्रोटेक्शन होगा और सेक्रिफिशियल uh, प्रोटेक्शन करो मतलब कवरिंग लाइक कवरिंग आयन विथ जिंक दैट इज कॉल्ड एज गैलवनाइजिंक गैल्बनाइज आयन जो मिलता है आयन के सरफेस को जिंक से कोट कर देते हैं इलेक्ट्रो प्लेटिंग से ओके द जिंक इज कोटेड ऑन द सरफेस ऑफ मेटल और वो एक शाइनी अपीरियंस देता है आयन के सरफेस पे दूसरी बात जो जिंक कोट होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अल्कलाइन जिंक कार्बोनेट तो जिंक सी ओ थ्री जेड एन एस टू ओ दैट इज बीन कोटेड ऑन द सर्फेस ऑफ आयन तो उससे क्या होगा उससे ये होगा कि आयन करोजन में नहीं जाएगा बट जिंक करोजन में जा सकता है कैसे आई गिव यू स्मॉल एग्जाम्पल एंड रीजन क्या है विल टॉक अबाउट दैट दैटोज सपोज सपोज दिस इज अ पीस ऑफ आयन एंड यू कोट अ जिंक लेयर ऑन इट जिंक लेयर एंड दिस इज एफी लेयर आपने इसको गैलवनाइज कर दिया आयन को इसके सर्फेस पे जिंक लेयर कोट कर दिया है ओके एंड देर इज सम शाइनी अपीरियंस द शाइनी अपीरियंस विल बी ऑन द सर्फेस तो ये एक पूरा आपका पीस है आपने कोई ऑब्जेक्ट खरीदा है आयन का एंड इट इज रिटन गैल्वनाइज आयन मीन्स आयन इज सेक्रिफिशली प्रोटेक्टेड बाय कोटिंग जिंक ऑन इट इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्लस यू हैव अ कोटिंग ऑफ अ जिंक कार्बोनेट विद जिंक हाइड्रोक्साइड अल्कलाइन कार्बोनेट विट गिव्स अ शाइनी अपीरियंस और सपोज क्या हो गया कि किसी तरीके से इस आर्टिकल पे कोई स्क्रैच आ गया अगर कोई स्क्रैच आ जाएगा इसके ऊपर तो आयन का पार्ट एफ का पार्ट और जिंक का पार्ट एटमोसफेयरिक एच को एक्सपोज हो जाएगा और अगर ऐसा हो गया तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनेगा क्योंकि एटमोस्फेयर में वाटर के साथ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड तो फ्री है अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनेगा तो मेटल विल अंडो ऑक्सीडेशन और अगर मेटल अंडो ऑक्सीडेशन देन इट इज गेटिंग करोड बट व्हाट हैपन वी हैव टू सी द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज माइनस वोल्ट इट मीन्स द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज प्लस जीरो पॉइंट सेवन थ्री वोल्ट सिमिलरली रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एफी इज़ माइनस जीरो पॉइंट फोर फोर बट इट्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज़ प्लस ज़ीरो पॉइंट फोर फोर वोल्ट तो जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब उतना ज़्यादा चांस ऑक्सीडेशन में जाने का और उतना ज़्यादा चांस करोजन में जाने का सो सी प्रॉपरली जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल इज लेसर देन if i write down reduction potential of fe it is minus 0.44 volt so zinc reduction potential is lesser than fe or you can say the oxidation potential of zinc is greater than oxidation potential of fe so zinc will undergo oxidation in preference to iron तो आपका आयन का जो अंदर का पीस है जो ऑब्जेक्ट है वो बच जाएगा और जिंक ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो जिंक ऑक्सीडाइज होगा तो प्रॉब्लम नहीं है सिर्फ सरफेस करोड़ हो रहा है लेकिन आयन का पीस इंटैक्ट है देन अगेन यू कैन इट और यू कैन इट ऐसा नहीं करना है टिन कोडिंग भी कर सकते हैं बट टिन कोडिंग का प्रॉब्लम क्या है कि टिन का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है इज लेसर देन आयन आयन इज प्लस जीरो पॉइंट फोर फोर ऑक्सीडेशन और जिंक इज प्लस जीरो पॉइंट सॉरी टिन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो माइनस जीरो पॉइंट वन फोर है मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस जीरो पॉइंट वन फोर है देखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है क्योंकि Fe का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.44 है इसका 0.14 है तो इफ यू डू टिन कोटिन और अगर स्क्रैच आता है तो टिन और आयन दोनों एक्सपोज हो गए तो दोनों का रोड हो जाएंगे तो टिन से अच्छा जिंक है फॉर गैल्वेनाइजिंग और यू कैन डू यू कैन एड हाईली एक्टिव मेटल टू दी आयन मेटल्स विच अंडर गो करोजन इन प्रेफरेंस टू आयन फॉर एग्जाम्पल आयन पाइप्स जो होते हैं अंडरग्राउंड उसके साथ में मैग्नीशियम मेटल अटैच करते हैं क्यों देखो सारा प्रॉब्लम करोजन का ऑक्सीडेशन से है, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है नॉट ऑक्सी ज्यादा होता है उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है और उसका करोजन में चांसेस जाने का ज्यादा है मतलब करोजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विल अंडरगो ऑक्सीडेशन मोर इजीली तो मोर करोजन तो वी कैन से करोजन वी कैन राइट डाउन योर करोजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई नॉट ऑक्सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई नॉट आर जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है वो करोजन में जल्दी जाता है ओके okay? तो यहां पर मैंने टीम के लिए आपको एक्सप्लेन कर दिया मैग्नीशियम का मैं आपको बात बता रहा था कि मैग्नीशियम ब्लॉक्स आर बीन अटैच टू आयन पाइप टू सेव आयन फ्रॉम रस्टिंग क्योंकि वो आयन पाइप के थ्रू वाटर जाएगा तो हमको रस्टिंग से अवॉइड करने के लिए मैग्नीशियम मेटल यूज करना है क्यों यूज करना है बिकॉज मैग्नीशियम की अगर हम लोग बात करेंगे तो द रिडक्शन पोटेंशियल ई नॉट आर ई डी ऑफ मैग्नीशियम इज माइनस टू पॉइंट थ्री सेवन बोल्ट बहुत कम है एस कंपेयर टू एफ ई उसका माइनस जीरो पॉइंट फोर फोर है तो इट द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम इज प्लस टू पॉइंट थ्री सेवन बोल्ट जो बहुत ज्यादा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एज कंपेयर टू एफ ई तो अगर एफ ई के साथ में मैग्नीशियम अटैच कराऊं तो मैग्नीशियम इज हाईली रिएक्टिव विद रिस्पेक्ट टू वाटर टू अंडर गो ऑक्सीडेशन एज कम्पेयर टू एफ ई तो मैग्नीशियम चले जाएगा ऑक्सीडेशन में करोजन हो जाएगा एफ ई बच जाएगा तो याद रखने का अगर आपको कोई भी मेटल को करोजन से बचाना है तो कोट दैट मेटल विद द अन अदर मेटल जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम हो क्योंकि जितना कम रिडक्शन पोटेंशियल उतना ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मोर करोजन सो आयन इज बीन कोटेड विद जिंक जिंक रिडक्शन पोटेंशियल इज लेसर देन आयन जिंक विल अंडर गो करोजन इन प्रिफरेंस टू आयन इफ टू रि रिमेम्बर दिस इन दिस मैथड मैग्नीशियम डाला तो मैग्नीशियम वेंडो को करोजन इन प्रेफरेंस टू आयन बिकॉज मैग्नीशियम का रिडक्शन पोटेंशियल बहुत कम है मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा एंड करोजन इज अ ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल वेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद एटमोस्फेरिक वॉटर विच हैव डिजोल्व ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ओके सो दिस इज ऑल अबाउट करोजन दैट इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल बाय